am Tushar Hiranandani. Hi, I'm Nidhi Parmar and you're watching us on Cinespeaks. Okay, welcome to Cinespeaks, guys. सबसे पहला क्वेश्चन कि सांड की आंख का ट्रेलर प्रोमोज और जो भी अभी तक सॉन्ग्स आए उसको आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला अब तक और आर यू हैप्पी विद द रिस्पॉन्स और आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ बढ़ गए क्या? इनफैक्ट हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हम बहुत खुश हैं. एक्सपेक्टेशंस बढ़ना नहीं था, मतलब हमको पता था हमें ये रिस्पॉन्स मिलेंगे बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर एंटायर प्रोडक्ट एंड अबाउट आवर फिल्म. सो एवरीवन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म. सो हमको जो रिस्पॉन्स मिला वी आर वेरी हैप्पी दैट द ऑडियंस इज लाइकिंग इट एंड वी आर जस्ट होपिंग नाउ दैट द ऑडियंस इट ट्रांसलेट्स इनटू नंबर्स ऑन स्क्रीन एंड पीपल कम एंड सी द फिल्म. Okay, so your film is clashing with two other films. So what do you think about it? I'm not thinking. There is a space for every film. If it's a good film, your film will run. If it's a bad film, even if it comes alone, it will not run. So that's not an issue for us. We know that there are other two films. We are just focusing on our film. Yeah. And we are confident that we have a brilliant product. So. And we made a good film and it will run. If audience likes it, it will run. And okay. I hope everyone has a happy Diwali. All three films have happy Diwali. There is enough space for all three of us. Okay, so you are getting enough screens for it, like as a producer? Yes. You... Yes. Our producers are very confident and they have got enough screens. Our distribution team, which is from Reliance only, Mr. Aditya Choksi, and is handling it. And we've got PVR as a partner also. So we are very confident that we'll get enough screens to show. Okay, so baat karte hain dono ke casting ki, to apne pehle se socha tha ki in dono ko hi cast karna hai ya you have some multiple auditions and all? Auditions where we were beggars, we could audition anyone. हमको तो भीख मांगते थे, किसी का audition नहीं, हम तो हर दरवाजे को खटखटा रहे थे. हाँ, but ये हो गया, अच्छा हुआ कि in the end that we got these two girls because मुझे आज जब पिक्चर देखता हूँ कंप्लीट हुआ है, इससे इन दोनों से बेटर हो ही नहीं सकता था मुझे. बिकॉज मैं देख रहा हूँ तो क्योंकि ना इन दोनों ने बहुत से ग्लैमरस रोल किए हैं और ये रोल नॉन ग्लैमरस है, तो इनकी मतलब कैसे हुई कास्टिंग, लाइक कुछ दोनों को एक्चुअली तापसी और भूमि दोनों ने पहली बार जब फिल्म सुनी दे वर ऑन बोर्ड इमीडिएटली. सुनते ही स्क्रिप्ट सुनते ही उन्होंने हाँ कर दी थी. दे वर जस्ट वेरी पैशनेट अबाउट द स्टोरी. आप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ वेरी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल फिल्म एंड बहुत मुश्किल से ऐसी पिक्चर मिलती है करने के लिए. और हैट्स ऑफ टू देम कि एट द एज दैट देयर इन दे चोज टू एज देमसेल्व्स एंड यू नो डू समथिंग आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन. बट दे वर वेरी पैशनेट, दे वर एज पैशनेट एज वी वर अबाउट द फिल्म एंड देव डन अ phenomenal job. So actually कहाँ से start हुई फिल्म की कहानी, मतलब कैसे आपने सोचा कि ये फिल्म करनी है, ये स्टोरी लानी है दर्शकों के लिए? मैंने देखो यार, मैं ना 40 उस टाइम पे, अभी ये 5 साल लगी है पिक्चर बनाने में, उस टाइम पे मैं 40 साल का था और आई वाज डूइंग क्वाइट वेल, राइटिंग में काफ़ी पैसे कमा रहा था. टच वुड, हमारे पास मेरे पास एक स्टडी जॉब भी था, बालाजी का एड कर रहा था फिल्म डिविजन, वो भी मुझे अच्छा, आई वॉज गेटिंग वेरी गुड सैलरी थैंक्स टू एकता कपूर, ये भी शी वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर धर्मा. तो हमारा लाइफ इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ सेलिंग फॉर अस. बट एंड वी आई टू ऑलवेज से क्या यार, 50 के साल पे कमा लिया, अभी एक अच्छी तरह से एक प्लॉट लेंगे आउट ऑफ बॉम्बे और जाके वहाँ पे गार्डनिंग करूँगा. ये मैं नहीं, ये गार्डनिंग करना चाहता था 50 के लाइफ पे, रिटायर होना चाहता था. बट देन आई सॉ दिस शो ऑफ सत्यमय जयते और ये लेडीज ने जो 60 साल की उम्र में स्टार्टेड शूटिंग एंड दे डिडंट डू दिस फॉर देयर सेल्फ, दे डिड फॉर देयर डॉटर्स. मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे I started crying and Nidhi said, why are you crying? I realized, I said, this is a story that needs to be told. And she said, why don't you tell it? Why don't you direct this? I said, are you sure we can make this film? She said, yeah, you can. If you want to tell it, tell it. And basically, ये था कि यार, ये picture मुझे बनानी थी. तब मैंने काफ़ी picture है, मुझे director बनना था एक, वो मैं अब तक नहीं बना था, ये मेरी पहली picture है. और काफ़ी stories थी जो मैं direct करना चाहता था, पर last moment पर मैंने छोड़ दिया. और ये जब कहानी मैंने देखी और I wanted to direct, अब 5 साल हुए हमको ये पिक्चर बनाने पर, एक टाइम भी नहीं आया कि मुझे ये बंद करना है. I kept at, we kept at it, we never gave up. चैलेंजेस बहुत थे, बहुत थे चैलेंजेस, पर हमने कभी गिव अप नहीं किया क्योंकि ये दो दादियों की कहानी इतनी as you know, I'm a commercial writer. जब हम ये दादियों को मिले, हमको डर था कि दो ओल्ड लेडीज, एक तो लेडीज पे पिक्चर बनाना, सिर्फ ऊपर से दो ओल्ड लेडीज पे पिक्चर बनाना, हमको डर था. बट वेन वी मेट देम, दीज दादीज वर सो कमर्शियल एंड सो फुल ऑफ एनर्जी, हमको पता था कि हमारे पास एक विनर सब्जेक्ट है और ये ग्राइट सब्जेक्ट है बताने के लिए. And that's it. We started it and we completed it. मैडम आपके लिए सवाल है, इन दोनों की जब आपने कहानी कंफर्म की कि हमें करना ही है, तो उनके राइट्स लेने में या कुछ यू नो लाइक उनकी स्टोरी बताने में कुछ डिफिकल्टीज आई? हाँ. या कुछ फिक्शनल चेंजेस वगैरह की नहीं? सो बेसिकली जब तुषार पहली बार गया वहाँ पे मिलने के लिए, तो उसको पता चला कि राइट्स वो किसी और को दे चुके हैं.
जाने से पहले पता चला ये. तो इनफैक्ट ही अप्रोच देम एज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. झूठ बोल के गया था कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ आपके ऊपर. और वहाँ पे वो चंद्र दादी का एक सन इन लॉ सुमित राठी, तो इन्होंने सुमित को मिलके बोला, सुमित ने पहचान लिया, उसको समझ आ गई कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर तो है नहीं, आप तुषार हिरानंदानी, आप राइटर हैं, तो आप पक्का पिक्चर बनाना चाहते हैं. तो इन्होंने बोला कि हाँ मुझे बनानी है, पर अभी क्या करें राइट्स का. तो उन्होंने बोला कि मैं सॉर्ट आउट करा के देता हूँ. उन्होंने किसी और को दी थी राइट्स, उन्होंने वो करके सॉर्ट आउट करके हमें राइट्स दिलवा दी. इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रोसेस, बट ही रियली हेल्प्ड अस. एंड उसके बाद वंस वी हैड द राइट्स, तो दादी के साथ बैठ के जब पहली बार उनकी लाइफ स्टोरी सुनी हमने, व्हाट ऑल दे वेंट थ्रू, इट वाज जस्ट फिनोमिनल. एंड नॉट जस्ट द स्टोरी, ऑल्सो द वे दे रिएक्टेड टू द सिचुएशंस इन देयर लाइव्स, दे वर, इट वाज ऑलवेज विद अ स्माइल. मतलब कभी भी आपने, अभी भी जब वो बात करती है अबाउट द डिफिकल्ट टाइम्स दैट दे बीन थ्रू, कभी भी एंग्स्ट नहीं देखो, ऐसा पेन नहीं देखोगे, वो मुस्कुरा के बात करती है. एंड दैट्स हाउ दे ऑलवेज फेस्ड लाइफ, एंड दैट स्पिरिट इज वॉट रियली कॉट अस. एंड दैट वॉज द वे ही वॉन्टेड टू शो देम आफ्टर मीटिंग देम, कि ये स्पिरिट कैप्चर करके ये स्टोरी बताना बहुत जरूरी है. एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस आफ्टर दैट, टुक टाइम बट इट फेल इनटू प्लेस. और सर आपके लिए सवाल है, आपकी डायरेक्शन का डेब्यूट और आपको लगता है 5 साल लग गए, एक्चुअली बहुत बड़ा पीरियड है वैसे देखने गए, और स्टोरी भी ऐसे हार्ड हिटिंग है थोड़ी सी, सो हाउ डू यू फील लाइक यू नो कि डेब्यूट भी कर रहे हैं लेकिन एक हार्ड हिटिंग फिल्म से कर रहे हैं, कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स उतने ज्यादा है नहीं कि पूरी मसाला. मैंने फुल कमर्शियल पिक्चर बनाया मेरे दोस्त, देखेगा ना तू, खाली कमर्शियल 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 है, और कमर्शियल के अलावा कुछ आता नहीं मुझे. तो मैंने ये पिक्चर कोई हार्ड हिटिंग सोच के नहीं बनाया, जो पिक्चर की कहानी थी बहुत लाइट हार्टेड थी, उसको पूरे लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग मैनर में फैमिली क्लीन पिक्चर बनाई मैंने. सो लाइक क्योंकि अभी बायोपिक्स ने बहुत यू नो लाइक बहुत तगड़ा बिजनेस किया है, तो वो कुछ एस्पेक्ट था आपके मन में? देखा हमने चालू किया 5 साल पहले, सबको पता है, हमने बोला है, तभी भी भाग मिल्खा भाग वगैरह आ चुके थे, भाग मिल्खा भाग बहुत कम पिक्चर आई थी बायोपिक्स उस टाइम पे, पर अभी सब आ रहे, विच इज वेरी गुड. इंडिया हैज सो मेनी स्टोरीज टू बी टोल्ड, इतने अलग अलग हमारे रीजन, इतने अलग अलग स्टेट्स है, हर स्टेट में कम से कम कितने लाखों स्टोरीज है. Instead of going to the west and kidhar se aur se lena, it's better to make stories about India and such inspirational stories we have. To usme kharab baat kya hai, it's good that people are making biopics, it's a good genre and I think the audience is liking it, so it's good that we made a genre like that. So are you happy with the final product now? Because more than happy, I think we are thrilled about it. We have been called, the vice president ne dekha, चाइना में लोगों ने हमारी पिक्चर को देख के इतना तारीफ किया, रिस्पांस बहुत ओवरवेलमिंग रहा है, मतलब हर जगह से चाइना, हमको टैक्स फ्री मिल रहा है अलग अलग स्टेट से, और क्या चाहिए. मतलब रिलीज के दिन से ही टैक्स फ्री होने वाली है या बाद में कुछ? राजस्थान में तो फिलहाल, अभी और अदर स्टेट्स वी आर ट्राइंग, देखिए राजस्थान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया टैक्स फ्री, बाकी देखते हैं कुछ डेवलपमेंट. जब फिल्म आपकी रेडी हो चुकी थी तो आपने क्या सोचा था कि दिवाली पे ही रिलीज करनी है स्पेसिफिक पीरियड? रेडी होने से पहले अनाउंस कर दिया था, एक साल जिस हम शूट कर रहे थे फरवरी या मार्च में हमने अनाउंस कर दिया था, हमारा पहला लुक आया था उसमें लिखा था दिवाली पे. ओके, बिकॉज ना दिवाली इज लाइक ना बहुत बड़ी फिल्म्स के लिए होती है, लाइक हम बोलते हैं कि खान्स के लिए होती है, बड़े इसलिए मुझे उन्हें ही पूछना है कि लाइक यू नो बहुत लोग सोच के ही चलते हैं कि बड़ी फिल्म आनी चाहिए खान्स की हो या अक्षय कुमार या किसी और की, और वो तो एक आ रही है और उसके साथ आपके वो इंडस्ट्री का टोन रहा है कि सारे बिग फेस्टिवल्स पे बिग रिलीजेस ऑफ बिग सुपरस्टार मेल एक्टर्स हैव ऑलवेज टेकन स्लॉट्स. एंड आई थिंक आवर फिल्म इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स हाई टाइम दैट वी क्लेम व्हाट इज ड्यू टू वुमेन इन आवर कंट्री, एंड ओनली मेन डोंट डिजर्व टू कम आउट इन फेस्टिवल्स. गुड कॉन्टेंट फिल्म विद वुमेन ऑल्सो डिजर्व अ फेस्टिवल रिलीज, एंड आई थिंक आई होप वी चेंज द ट्रेंड. एंड दैट्स अ छोटी सी कोशिश है हमारी कि हमारे गुड कॉन्टेंट इंस्पिरेशन motivational stories से लड़कियां भी, I am hoping a film like a Chhapak also gets a Diwali release or a Christmas release, because I think they also are superstars in their own right, and you know everybody is working hard on content, so it's not fair that only men get to claim the festivals. It's high time. Diwali Lakshmi Puja ka din bolte hai na, karo Lakshmi ka puja aake dete hai. तो लास्टली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्यों देखे सांड की आंख इस दिवाली में? यार एक तो स्टोरी के लिए जो दो दादियों ने किया है, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, लोगों को इतनी लड़कियों को इंस्पायर किया, आज इतनी लड़कियों के पास जॉब्स है यूपी में, जो होता है जॉब्स बेसिकली स्पोर्ट्स में, इसलिए लोग स्पोर्ट्स में यूपी हरियाणा में इतने लोग स्पोर्ट्स में, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो उनको जॉब कोटा मिलता है आर्मी BSF और पुलिस में, एंड दीज गर्ल्स आर नाउ गॉट सो मेनी जॉब्स स्टूड ऑन द फीट. तो एक तो ये दादियों ने इतना कमाल का चीज़ किया जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और दूसरा हमने बहुत ही एंटरटेनिंग फैमिली वाली पिक्चर बनाई दिवाली में, हमको यू मिला विदाउट एनी कट्स, यू सर्टिफिकेट, सेंसर भी इतना खुश थे कि हमने ऐसी साफ सुथरी क्लीन अच्छी एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई है. तो आई थिंक इट्स अ फैमिली टाइम दिवाली. मैं हमेशा बोलता था जब मैं राइटर था तो लोग मुझे बोलते थे यार दिवाली आ रहा है यू शुड राइट किड्स फिल्म,
ताकि अब पेरेंट्स गेट किड्स फॉर देम टू दिवाली, क्या माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते दिवाली में पिक्चर दिखाने. इस साल हमने उल्टा कर दिया, हम वी आर ट्राइंग टू उल्टा कर रहे हैं, क्या बच्चे अपने माँ बाप को लेके जाए. देखते होता है, इंडिया में होता है, इंडिया फुल ऑफ फीलिंग्स, सो लेट्स सी. और ये फिल्म सबके लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन, इट्स ऑल्सो अबाउट people at a certain age who give up and say that sabke liye kuch hai picture mein aur full on entertainer hai, family film, and I think it's perfect for a festival release. Jaise hum bolte hai Diwali patake nahi goliyan chalengi, to sab Saand Ki Aankh dekhiye. Please aake dekhiye Saand Ki Aankh 25 October, aur happy Diwali aapke liye aur hamare liye bhi happy Diwali kijiye. Thank you so much for interacting with Cinespeaks.